गुड मॉर्निंग, ये हमारी संस्था गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक का मेन एंट्रेंस है, उसका बोर्ड है, जो कि लेटीट्यूड 23.25 और लॉन्गीट्यूड 82.51 पर स्थित है। यह संस्था इस बिलासपुर से बैकुंठपुर से बिलासपुर जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित है। हमारी संस्था के सामने लाइवलीहुड कॉलेज है और यह रास्ता बैकुंठपुर की ओर जाता है, जो कि यहाँ का मुख्य शहर है। हमारी संस्था मुख्य शहर से 4 किलोमीटर दूर ग्राम सलखा में स्थित है और ये हमारी संस्था है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोरिया का मुख्य बिल्डिंग है, उसका एंट्रेंस है। हमारी संस्था में 5 ब्लॉक है टोटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, फर्स्ट ईयर ब्लॉक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। जिसमें अभी आप कैमरे में देख पा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर ब्लॉक है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। संस्था में एंट्री के लिए दो तरफ से रास्ता दिया गया है, दोनों तरफ करोड़ सीसी है। यह संस्था का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जो कि संस्था में एंट्री करने के लिए मेन एंट्रेंस है। के बाद आगे इधर सिविल ब्लॉक है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसका एंट्रेंस यहाँ पर से है। एक एंट्रेंस अंदर से भी है, ये मेन एंट्रेंस है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये संस्था प्रांगण है पूरा। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उधर फर्स्ट ईयर ब्लॉक, जिसके सामने ये गार्डन भी है। अभी इसको डेवलप नहीं किया जा सका है, बहुत जल्द इसको डेवलप किया जाएगा। यह संस्था का मुख्य द्वार एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। संस्था का फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार से है। अभी हम संस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संस्था का वाहन, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए संस्था में अलग अलग स्थानों पर कोरोना के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ विभिन्न साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें संस्था की महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हुई हैं।
ये संस्था में प्रवेशित छात्रों की जानकारी, उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति, किस ब्रांच में कितने बच्चे हैं, संस्था में मौजूद शिक्षकों की जानकारी, इधर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है और इस साइड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। यह परीक्षा नियंत्रण कक्ष है। यह परीक्षा नियंत्रण कक्ष का स्ट्रांग रूम, परीक्षा नियंत्रण कक्ष के बाजू में प्राचार्य कक्ष, ये स्टेनो रूम है। यह प्राचार्य कक्ष, यह वेटिंग रूम है प्राचार्य कक्ष का। यह ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। यह इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम और यह पेंट्री रूम है। यहाँ जनरेटर संस्था का, यह कार्यालय है। अभी हम कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। यह संस्था का कार्यालय है। यह स्थापना शाखा है। यह सेमिनार हॉल है। अभी नई फर्नीचर खरीदी होने के कारण सभी फर्नीचर यहाँ रखे हुए हैं, जिनको धीरे धीरे करके उनके नियत कक्षों में जमाया जा रहा है, सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इधर सिविल डिपार्टमेंट है। अभी भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के प्रथम तल की ओर जा रहे हैं। यह एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का प्रथम तल है, जहां कंप्यूटर लैब स्थित है। यह संस्था का मुख्य कंप्यूटर लैब है।
यह संस्था का ग्रंथालय लाइब्रेरी या रिसेप्शन संस्था लाइब्रेरी का यह क्षेत्र रीडिंग रूम है जहां बच्चे स्टडी करेंगे और यही डिजिटल लाइब्रेरी भी सेटअप किया जाना है। यहाँ स्टाफ महिला एवं पुरुष प्रसाधन है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का। इसी प्रकार महिला और पुरुष प्रसाधन नीचे भी है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। यह एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का पोर्च है फर्स्ट फ्लोर का। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पर समाप्त होता है। यह हमारी संस्था का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। यह सिविल ब्लॉक है। ये सिविल स्टाफ रूम, ये सिविल का स्टाफ रूम है। यहाँ लेक्चरर्स के लिए दो अलग से रूम और बना हुआ है। यह HOD सिविल रूम, ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी लैब, हाईवे इंजीनियरिंग लैब,
सॉइल मैकेनिक्स लैब भी यही है। ये सर्वे लैब, अभी हम सिविल के फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं जहाँ पर सिविल की क्लासरूम्स और ट्यूटोरियल रूम्स हैं। ये गर्ल्स टॉयलेट, ये सेकेंड ईयर की क्लासरूम सेकेंड ईयर की क्लासरूम है ये सिविल डिपार्टमेंट की। यह थर्ड ईयर की क्लासेस हैं, क्लासरूम है थर्ड ईयर की। सभी फर्नीचर सभी नए परचेस हुए हैं। यह ट्यूटोरियल रूम है, मिनी ट्यूटोरियल रूम। यह गर्ल्स कॉमन रूम है। यहाँ पर फिर से जेंट्स और लेडीज टॉयलेट स्टाफ। यह ट्यूटोरियल रूम है सिविल डिपार्टमेंट का। यह सिविल का पोर्च है फर्स्ट फ्लोर का। यह जो रोड सामने दिख रही है यह
बैकुंठपुर से बिलासपुर जाने वाली स्टेट हाईवे है। यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है। यह केमिस्ट्री लैब है फर्स्ट ईयर का। ये फिज़िक्स लैब और मैकेनिक्स लैब, फिज़िक्स और मैकेनिक्स लैब यहाँ लगता है, या यह लैब है उसका। ये फर्स्ट ईयर ब्लॉक पूरा। ये फर्स्ट ईयर का मेन एंट्रेंस है जो बाहर से डायरेक्ट आता है। ये साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का स्टाफ रूम है। ये साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का HOD रूम। ये साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का क्लासरूम। अब हम फर्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं। ये साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ गर्ल्स टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट और स्टाफ टॉयलेट लेडीज। ये लेक्चर हॉल है फर्स्ट ईयर का। और ये भी फर्स्ट ईयर का लेक्चर हॉल है। यह संस्था की सबसे बड़ा कक्ष है। यह ड्राइंग हॉल है।
ये बॉयज़ कॉमन रूम है और ये ट्यूटोरियल रूम है फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज समाप्त होता है। थैंक यू। यह हमारी संस्था का इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का गलियारा है और हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ओर जा रहे हैं। ऊपर जाने के लिए यहाँ से एक सीढ़ी उपलब्ध है, उसके अलावा पीछे से भी एक सीढ़ी मौजूद है। हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रवेश कर चुके हैं और यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सेकेंड ईयर का क्लासरूम। क्लासरूम से ये HOD मैकेनिकल का रूम, ये इलेक्ट्रिकल गलियारा, आगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। ये है स्टाफ रूम मैकेनिकल। यहाँ भी लेक्चरर्स के लिए दो सेपरेट कक्ष बनाए गए हैं। ये स्टाफ टॉयलेट है लेडीज और जेंट्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। ये बॉयज़ टॉयलेट मैकेनिकल डिपार्टमेंट। हम लैब की ओर जा रहे हैं। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एंट्रेंस है, मुख्य एंट्रेंस जो बाहर से आता है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का लैब, RAC लैब। ऑटोमोबाइल एंड थर्मोडायनेमिक्स लैब। यह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लैब है।
और यह मैकेनिकल 5th सेम का क्लासरूम लेक्चर हॉल है। सेकेंड ईयर मैकेनिकल का क्लासरूम। अब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर ले चलते हैं। यह संस्था का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। जिसमें यह लैब, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, HOD रूम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, स्टाफ रूम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यहाँ भी सभी स्टाफ रूम्स की तरह 2 लेक्चरर रूम्स अलग से बने हुए हैं। स्टाफ टॉयलेट लेडीज एंड जेंट्स, गर्ल्स टॉयलेट, लेक्चर हॉल 5th सेमेस्टर। लेक्चर हॉल 3rd सेमेस्टर, सेकेंड ईयर। और यह इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और मेजरमेंट लैब। यह हमारी संस्था का कन्या छात्रावास है, जिसकी क्षमता 50 सीटर है, जो कि पूरी तरह से तैयार है। चारों तरफ वृक्षारोपण किया गया है। यह छात्रावास अधीक्षक का कमरा है और यहाँ पर विजिटर्स और चौकीदार का रूम है।
चलिए चलते हैं हॉस्टल की ओर। यह छात्रावास कुल 50 लोगों के लिए निर्मित है, जिसे 50 छात्राएं आसानी से रह सकती हैं। यह इमारत 3 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एवं सेकंड फ्लोर। यह यहाँ का वॉशरूम है कन्या छात्रावास का, और यह कन्या छात्रावास का रूम। कोविड के कारण अभी कोई छात्र यहाँ उपस्थित नहीं है, कोई छात्रा। यह ऊपर जाने के लिए सीढ़ी, ये कंट्रोल पैनल छात्रावास का। यह वार्डन कक्ष है,